732G पर हमें Redmi Note 10 Pro देखने के लिए मिलता है, Poco X3 मिलता है, वहीं G85 पर हमें Redmi Note 9 देखने के लिए मिलता है और Samsung Galaxy M32 देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इनकी लॉन्च डेट की, तो 31 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 732G और G95 अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ है। लेटेस्ट है यहाँ पर हमारा जो स्नैपड्रैगन 732G है। थोड़ा सा बात करते हैं इनकी फैब्रिकेशन प्रोसेस की, 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है 732G और G85 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है उतना ही हमारा प्रोसेसर बेटर होता है, पावर एफिशिएंट होता है। बात करते हैं कोर्स की, तो दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 की हैं जो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकती हैं 732G में, बाकी 6 कोर कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकती हैं। बात करते हैं G85 की, दो कोर्स कॉर्टेक्स A75 की है जो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं और 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके GPU की, तो एड्रिनो का 618 GPU हमें स्नैपड्रैगन 732G में देखने के लिए मिलता है और आर्म की तरफ से आने वाला माली G52 MC2 GPU हमें मीडियाटेक हीलियो G85 में देखने के लिए मिलता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एड्रिनो 618 की काफ़ी बेटर रहने वाली है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस दोनों ही हमारे यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G में बेटर होने वाली हैं G85 से। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती हैं। बात करते हैं इनके रैम सपोर्ट की, दोनों ही डुअल जेन LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 732G है वो 8GB तक सपोर्ट करता है और 1866 MHz तक सपोर्ट करता है। और यहाँ पर बात करते हैं G85 की, तो वो भी अप टू 8GB सपोर्ट करता है बट 1800 MHz तक सपोर्ट करता है। तो दोनों ही लगभग आसपास हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन स्टोरेज टाइप में UFS 2.1 को सपोर्ट करता है 732G और eMMC 5.1 केवल G85 सपोर्ट करता है। स्टोरेज टाइप में थोड़ा सा 732G आगे निकल जाता है। बात करते हैं हम इसके अलावा इनके कैमरा सपोर्ट की, तो 192 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 732G और डुअल कैमरा 22+22 मेगापिक्सल का सपोर्ट करता है और हम इससे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मीडियाटेक हीलियो G85 48 मेगापिक्सल तक सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है और ये केवल 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो बेटर है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G। बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट की, तो 732G में QHD डिस्प्ले एट 60Hz का सपोर्ट है और फुल HD डिस्प्ले एट 120Hz का सपोर्ट है, जबकि G85 में हमें केवल फुल HD प्लस डिस्प्ले का ही सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में से किसी में भी नेविक का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता और दोनों ही हमारे 4G प्रोसेसर हैं। बात करते हैं कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की, 800 Mbps तक की पीक डाउनलोडिंग स्पीड है 732G की और 300 Mbps तक की G85 की, लेकिन अपलोडिंग स्पीड दोनों में सेम है 150 Mbps। अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो लगभग हर डिपार्टमेंट में हमें स्नैपड्रैगन 732G आगे निकलता हुआ नज़र आया है, चाहे वो फैब्रिकेशन प्रोसेस हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो GPU हो, चाहे वो कैमरा हो और चाहे वो डिस्प्ले सपोर्ट हो, चाहे वो डाउनलोडिंग स्पीड हो। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्नैपड्रैगन 732G एक विनर है और इसका असर इनके अंतुत्व स्कोर पर भी दिखता है। जो स्नैपड्रैगन 732G है उसका अंतुत्व स्कोर 290,000 के पार जाता है और G85 का केवल 205K के आसपास रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G85। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।